सितम गर ये गुर्बत क्या करे। अब देखिए ना, जैनब ने आपसे आपका शौहर छीन लिया और बेटी को आपके बेटे के पीछे लगा दिया। अगर आप लोगों को उष्णा में इतनी ही बुराई नजर आती है तो फिर आप दोनों अपने बेटों के लिए उसकी तलबगार बन के कैसे आ गई थी? सच बताऊं, उष्णा ने ही इन दोनों को आश्रय में रखा हुआ है। ये लड़की सही नहीं है और उसके तो खून का भी। माफ कीजिएगा, मेरे आराम का वक्त हो गया है, अब आप लोग जा सकती हैं। क्या जरूरत है इनको अपने साथ लेके आने की? मेरी माँ इस काबिल नहीं रही कि इस इवेंट पे आ सके, तो ये जिताने के लिए लेकर आए इनको। आप बताओ मुझे, क्या फैसला किया तुमने? कब बारात लेके आऊं अपने सुफियान की तुम्हारे यहाँ? कभी नहीं। गलत कर रही हो जैनब अपने साथ और उष्णा के साथ भी। गलत होने से रोक रही हूँ। कैसे रोकोगी मुझे? कोशिश तो जरूर करूंगी। ठीक, आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम्हारा ये चैलेंज तुम्हें रुलाएगा जैनब। सितम गर ये गुर्बत क्या करे। जी क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ एक सेकंड भी रुकना अपनी तौहीन समझती हूँ। बात मान ली होती तो इस तरह ना आना पड़ता। मतलब की बात करें? तुम्हें मिलवाना है किसी से। और मैं क्यों मिलूंगी किसी से? तुम किसी से मिलो ना मिलो, लेकिन उष्णा को मुझसे मिलना पड़ेगा। कहाँ है उष्णा? आप क्यों पूछ रही हैं और आप कौन हैं? मैं उष्णा की दादी हूं और अपनी पोती को अपने साथ ले जाने के लिए आई। आओ मेरे साथ। क्या बात है, हैरान सी लग रही है। ये क्या नया खेल खेल रहे हैं? ये वही खेल है जैसे शुरू तुमने किया था। मैं तो सिर्फ खत्म करना चाहता हूँ। ना जाने कहां से एक दादी आ गई अपनी पोती को ढूंढते हुए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये किरदार आप सबका तख्लीक करता है और इसमें रंग भी आपने भरे हैं। बचपन से बहुत जहीन थी तुम, हमेशा से सब यही कहते थे। तो ये सवाल तो बनता है जो तुम कर रही हो। ये जो खातून यहाँ आई खड़ी है ना, ये ऐसे ही नहीं आई है, ये पूरे सबूतों के साथ आई है। और उनमें से एक सबूत तो पहचानती हो? सर फुरकान का बहुत अच्छा दोस्त था। ये है उष्णा का बाप, असली बाप। पीछे देखो, उसका एड्रेस भी मेंशन है। और अगर कहीं जरूरत पड़ी ना तो डीएनए का भी इंतजाम किया जा सकता। सोचो कि ये बात मैंने तुम्हारे बजाय उष्णा को बताई होती, या ये खातून यहां आने के बजाय तुम्हारे उस महल नुमा घर में आई होती, तो जैनब किस किस को क्या क्या जवाब देती फिर? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं ऐसा कुछ करना चाहता भी नहीं हूं। तुम दुश्मन थोड़ी हो मेरी कोई।
सिर्फ एक काम करो, तुम ये निकाह रुकवा दो, ये वापस चले जाएंगे। इतना तो कर ही सकती हो अपने भाई के लिए। किस्मत भी क्या अजीब अजीब खेल खेलती है। मैं इन्हें ढूंढने का सोच रहा था और वो अपनी पोती की मोहब्बत में उसे ढूंढती हुई यहां तक आ गई। देखो जनाब, इतना तो मानना बनता है कि किस्मत भी मेरे साथ। वार तो आपने कर ही लिया है, अब इंतजार किस बात का है? गलत समझ रही हो तुम। एक मौका देना चाहता हूं तुम्हें भी और खुद को भी। सुफियान अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हारी बेटी को। तुम इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? नहीं, मैं नहीं मानती इन सबूतों को। एक दादी कहीं से पकड़ लाए हैं जो पोती की दावेदार बनकर सामने आ गई है। एक बात याद रखिएगा भाई, आप जैसे सौदागरों के सामने आखिरी हद तक दीवार बनकर खड़ी रहूंगी मैं। अपना नुकसान कर लोगी बहुत। अपनों की पहचान हो गई है, इससे बढ़कर क्या नुकसान होगा? मुझे डराने धमकाने में आप ये भूल गए कि मैं आपकी बहन हूं, सगी बहन। और आज से इस लम्हे से मैं भी भूल जाऊंगी। क्या आप मेरे भाई? जैनब? अरे जैनब क्या हुआ? हाँ, आप ऊपर आ जाए प्लीज, बैठे आराम से। नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ, आप कहीं गई भी थी क्या? नहीं, मैंने आपको फोन किया, आपने फोन का जवाब भी नहीं दिया। खैरियत है ना जैनब? आप क्या हुआ है मुझे बताएं ना। आप बताएं मुझे, अगर कोई मुझ पर वार करे तो क्या करेंगे आप? जिंदगी तंग कर दूंगा उसके ऊपर, सांस लेना महाल हो जाएगा उसका। बताए ना किसने क्या किया? तो तंग कर दे। लेकिन आपने तो कभी किसी के लिए बुरा चाहा नहीं। अब चाहती हूं मैं, अब चाहती हूं मैं बुरा। अपनी अपनी बच्ची पे हाथ डालने वाले मजीद नहीं बख्शूंगी मैं। रिलैक्स है, बताए मुझे क्या हुआ। अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, माफ नहीं कर सकती मैं। जब अपने सगे भाई को ब्लैकमेल करने पर आ जाए आपको इस्तेमाल आपकी मजबूरी का फायदा उठाने लगे, अपने खैरों से बदतर हो जाए तो फिर कोई रास्ता नहीं रहता। Be all right, don't worry, I'll... It's just not all right. I know. जी जी चौधरी साहब, लेकिन आप भी तो समझिए, आपका तमाम ऑर्डर तैयार है और 24 घंटे के बाद हमने डिलीवरी करनी है आपको। आप ऐसे मौके पे कैसे कैंसिल कर सकते हैं सारा ऑर्डर? लेकिन आप हेलो जी मैं बोल रहा हूँ, कराएं बात जी। इश्तियाक साहब क्या?
ये हेलो आप सर ने आपके ऑफिस और बिल्डिंग और सारी फैक्ट्रीज तमाम चीजें खरीद ली। इनसे कहो प्रेमिसेस वगैरह खाली करें सारी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये आपकी बर्बादी का परवाना है। आपको मना किया था मैंने कि उष्णा को मेरी बीवी को धमकी ना दें, लेकिन लाखबाज नहीं आए। लेकिन हमने तो लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। धमकियां तो तुम लोग बहुत खूब देते हो, अब देखना यह है कि खुद को बचाते कैसे हो। बाबा मेरी बात सुनो एक मिनट। ऐसा क्या हुआ आपको? पता नहीं यार, मुझे तबीयत सही नहीं, उसे घर लेके चलो। मैं घर नहीं, नहीं डॉक्टर क्या चलेंगे मैं। आप आइए आइए, कुछ नहीं होता, आइए सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप तुम कॉलेज नहीं आ रही थी, मैंने तुम्हें कॉल्स की, ना फोन उठाया ना मैसेजेस के जवाब दिए। इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती मैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझसे खफा किस बात पे? ये सवाल तो आप अपने घर वालों से जाकर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो मुझे सबकी नजरों में गिराने का काम बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। आपकी तिमादारी करने के लिए मुमानी की कॉल पर आई थी मैं। उसी मंजर की तस्वीरें बनाकर शेरोज को भेज दी ताकि वो लोग मुझ पर और मेरी मम्मा की तबीयत पर सवाल उठा सके। What? लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ गई। मम्मा हमेशा ठीक ही कहती थी कि ना कदरों से तो दूर ही रहना चाहिए। I swear, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपको जो करना है आप करें, लेकिन मैं शेरोज से निकाह करने का फैसला कर चुकी हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। Really? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। ना बात सुनो मेरी, वो लड़का यहाँ क्या कर रहा था? मुझे नहीं मालूम। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो तुम। वो लड़का आज के बाद तुम्हारे आसपास नजर नहीं आना चाहिए। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा, वार्न कर रहा हूँ। फिर मैं तो नहीं आती किसी की वार्निंग में। मतलब तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहूं? तो ना करें ना बर्दाश्त। मैं वैसे भी आपसे साफ साफ कह चुकी हूँ मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनो तुम। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ?
ये सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश थी और कुछ भी नहीं, वरना तुम उसको, तुम्हारे दो टके कजिन है उसके साथ जाके शादी करती, मुझे क्या परवाह। ना करे परवाह, किसने कहा है आपसे कि रोज ड्राइवर बन के मेरी जासूसी करने के लिए? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी जासूसी, तुम्हारी जासूसी अगर मैंने करनी होती ना तो और बहुत से तरीके तुम्हें पता भी ना चलता। तो अम्मी ने मुझे भेज दिया था कि ड्राइवर नहीं है तुम्हें पिक कर लूंगा, पर ना मुझे कोई शौक नहीं था पिक करने का। अगर शौक नहीं है तो शादी के ये ख्वाब क्यों देख रहे हैं आप? मोहब्बत के तहत तो बहुत शादियां होती है, लेकिन कुछ शादियां ना नफरत को जिंदा रखने के लिए करनी पड़ती है। ये बहुत ख्वाहिश है, एक दफा तुमसे शादी हो जाए ना तुम्हारी ऐसी अकड़ खत्म करूंगा, तुम्हें कंट्रोल करके अपने पास रखूंगा। और रियली अगर ये शादी आप इसी हसरत में कर रहे हैं ना कि आप मुझे कंट्रोल करेंगे, तो ये ख्वाब दिल से निकाल दें, ये नहीं पूरे होने वाले। ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और ये जो शादी के लिए आप इतने एक्साइटेड हो रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि निकाह के दिन एन मौके पर मैं इनकार कर दूं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, क्योंकि कलम, काजी और कागज के अलावा ना मैं गन भी अपने साथ लेकर आऊंगा। तुम बिल्कुल किसी खुशफहमी में ना रहना, क्योंकि दुश्मन पे वार करते हुए ना मेरा निशाना चूकता है और ना मेरे हाथ कांपते हैं। देखेंगे देखेंगे। उस अपाहिज को ना हमने गलत समझ लिया, असल में रस्सी जल गई पर बल ना गया। इसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, शर्म नहीं आती उन लोगों को? मत याद दिलाओ प्लीज, सोच सोच के मेरा तो दिमाग फट रहा है। ओ, तो आप दोनों फिर वहां गई और फिर बेइज्जत होकर आ गई, तो और क्या करते? बहुत ही भाई बदतमीज लोग हैं। मेरी और उष्णा की तस्वीरें शहरोज को किसने भेजी? कौन सी तस्वीरें बेटा? पहले आप उष्णा को खुद कॉल करके मेरी तबीयत पूछने के लिए बुलाती हैं, और दूसरी तरफ मेरी और उसकी तस्वीरें शहरोज को भेज के उसकी जिल्लत करवाती हैं। जो लड़की कल तक मेरी मोहब्बत पर यकीन करने वाली थी, आज मुझे फिर से छोड़ के चली गई। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? एक दफा खुल के बता देना मुझे। ये क्या कह रहे हो बेटा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अब सारी बातें समझ में आ गई। एक तरफ मुझे खुदकुशी से रोकने के लिए आपने मुझे झूठी आस दिलाई, और दूसरी तरफ आप ये कोशिश करती रही कि उष्णा मुझसे खुद हर रिश्ता तोड़ ले, और आप पे कोई बात भी ना। अच्छा, तो हम फूट डलवाने गए थे, हमारे ही घर में फूट डल गई। ऐसा क्यों करूंगी बेटा, क्यों कह रहे हो तुम ऐसा? मैं तो खुद गई थी ना उष्णा के घर, ताकि मैं नईमा की मिन्नत तय कर सकूं कि वो अपने बेटे का निकाह उष्णा के साथ ना करे। बस मामा, मुझे आपकी किसी बात पे कोई एतबार नहीं। भाई, मामा बिल्कुल सच कह रही है। ताई जान के बजाय तुम अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते कि शहरोज को वो तस्वीरें किसने भेजी? मुंह बंद करो। चुप रहो। तुम चुप करो। तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के कहो। देख मेरे भाई, बात ऐसी है कि तुम्हारी बहन शहरोज के ख्वाब देखने लग गई है, और इसी ने तुम्हारी और उष्णा की तस्वीरें उसको भेजी हैं। नहीं नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, इसका फोन चेक कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसको पूरी दुनिया में एक वही शख्स मिला था, इसका दिमाग तुम्हें दो मिनट में ठीक कर दूंगा। सुफियान बेटा, क्या कर रहे हो तुम? छोड़े अम्मी, जिस शख्स से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, मेरी बहन मुझे उसी के सामने दलील करने पर तुली हुई है। तुम्हें माफ नहीं करूंगा कभी। भाई साहब, हुज़ैफ़ा देखो, भाई साहब। आप
आप इसे समझा दें कि आज के बाद सुफियान इस यूनिवर्सिटी के आसपास की नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुल्फी खाना अम्मी के कमरे में ले आओ। मामा मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे यूनिवर्सिटी, बल्कि मैंने तो उन्हें साफ लफ्जों में कह दिया था कि मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी। आपको मुझ पर यकीन तो है ना? हाँ मुझे यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी और मुझसे कोई गलत बयान ही नहीं करोगी। जाओ तुम चेंज करो, जाओ जा रहा। एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरह नहीं जा सकते। सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तुम और तुम्हारा बाप आकर चाहते क्या हो? सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मैं चाहूँ ना तो इस वक्त मैं उठवा के अपने ऑफिस से बाहर फेंकवा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी तड़प है जो तुम्हें यहाँ पर उठा के ले गई। जब तुम खुद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो अपने बाप को मेरे सामने ला खड़ा किया, तुम दोनों ने क्या सोचा कि हमारा बिजनेस बर्बाद करके मुझे उष्णा को हासिल करने से रोक लोगे? जिंदगी में पहली दफा बाप साहब ने कोई ऐसा काम अंजाम दिया कि उन्हें शाबाशी देने का दिल कर रहा है। वेल डन बाप साहब, वेल डन। सितम कर ये कुर्बत क्या करे। हुआ क्या है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना? हॉस्पिटल से तो लेके आ रहे हैं भाभी, लेकिन हुआ क्या है बाबा? स्ट्रेस है। कैसा स्ट्रेस? ऐसे किस बात का स्ट्रेस ले लिया इन्होंने कि ये हालत कर ली अपनी? ये तो बहुत मजबूत है साहब के मालिक हैं। बरसों से जमा जमाया कारोबार जब एक लम्हे में तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो मजबूत से मजबूत साहब का मालिक भी दिल छोड़ देता है, हिम्मत हार देता है। लेकिन आप साफ साफ बताएं हुआ क्या है? पिछले दो दिनों से वेंडर्स जो हैं अपने ऑर्डर्स कैंसिल करा रहे हैं। पहले तो हमें यूं लगा कि बिजनेस इश्यूज हैं, लेकिन जब एक वेंडर के बाद दूसरा वेंडर भी ऐसे करने लगा तो परेशानी तो यकीनी थी, और जब वाहब आए तो ये भेद खुला कि सबके पीछे उनका पैसा उनका पावर बोल रहा है। वहाब जैनब का शौहर, लेकिन उसका क्या ताल्लुक है आप लोगों के बिजनेस से? मुझे समझ नहीं आ रहा। वहाब ने ऑफिस समेत तमाम प्रॉपर्टी जो परचेज कर लिए और हमें नोटिस दे दिया। और आप सब शायद ये भूल रहे हैं कि जब आप इस घर में धमकी देने आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैनब और उष्णा को जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो मैं आप सबको तबाह करने में देर नहीं लगाऊंगा, और उन्होंने अपना कहा सच कर दिखाया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जैनब इतनी एहसान फरामोश निकलेगी कि अपने सगे भाइयों को इस तरह से बर्बाद कर देगी। सोचने की जरूरत तो थी ना आपको जब वो वाज़े अल्फाज़ों में कह के चले गए थे। मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ और बेटी किसी की नहीं। देख लिया तुमने बेटा, देख लो अपने बाप की हालत, कैसी दुश्मनी निकाली है जैनब ने हमसे। अभी तुम अपनी बहन और मां से लड़ रहे थे ना, हमें कसूरवार ठहरा रहे थे ना, हमें इल्जाम दे रहे थे ना, तुम देखो क्या हाल किया जैनब ने। तुम्हारे बाबा ने तुमसे वादा किया था ना कि वो तुम्हारी शादी उष्णा से कराएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े, सिर्फ इसलिए कि तुम जिंदा रहो। देख लिया अंजाम क्या किया उसने। ऐसा वार किया है, अब क्या?
क्या करेंगे हम? सब लोग जाओ यहां से, सब जाओ यहां से। मेरे दिमाग की नसें फटे जा रही हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सब जाओ यहां से। मेरा ख्याल है भाई साहब को आराम की जरूरत है, सब कुछ चलना चाहिए। शुजात तुम रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। जाओ सब जाओ। कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह होगा। अब हमारा क्या होगा? ये रफाकत भी औलाद की मोहब्बत में हद से ही गुजर गए, और मिला क्या? कुछ भी करने से पहले आप लोगों को सोच लेना चाहिए था कि उष्णा पहले वाली मजबूर उष्णा नहीं रही है, जो सब कुछ बर्दाश्त कर जाएगी। मैं बस बस इतना मत रोए, मैंने बाबा के बाद आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो गए बेटा। अपनी बेटी को आबाद करने के लिए हमें कैसे बर्बाद कर दिया उन जालिमों ने। और आप लोगों की वजह से हम भी बर्बाद हो गए। हमारा क्या कसूर था? सब आप लोगों का अपना किया था। समझ नहीं आ रहा हम लोग क्यों भुगत रहे। चलो दे गई फिर ताना। चामुन आदत है, आदत से मुझको। अब ये गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? सुफियान रुको उसको। भाई रुको। भाई भाई सुने, अल्लाह ये मेरी औलाद है। सुफियान एक्सक्यूज मी। यस फिरोज कहाँ बैठता? सर अपने रूम में है। एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरह नहीं जा सकते। सर एक्सक्यूज मी सर, सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तुम और तुम्हारा बाप आकर चाहते क्या हो? सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मैं चाहूँ ना तो इस वक्त मैं उठवा के अपने ऑफिस से बाहर फेंकवा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी तड़प है जो तुम्हें यहाँ पर उठा के ले गई। तुम्हारा मुकाबला मुझसे था ना, तो मुझसे बात करते। तुमने ये घटिया हरकत करके साबित कर दिया कि मेरे राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारी राय जानने में ना मैं कल इंटरेस्टेड था, ना मैं आज इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन तुम्हारी बेचैनी की तह तक नहीं मैं पहुंच सक रहा हूं। अरे खुल के बताओ ताकि मैं तुम्हारे मतलब का जवाब दे सकूं। जब तुम खुद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो अपने बाप को मेरे सामने ला खड़ा किया। तुम दोनों ने क्या सोचा कि हमारा बिजनेस बर्बाद करके मुझे उष्णा को हासिल करने से रोक लोगे? लोग सोचते ही तो नहीं है, बस कर जाने वाले लोग हैं। तो फिर एक बात अपने बाप को अच्छी तरह समझा दो कि चाहे वो हमें तबाह बर्बाद ही क्यों ना करते, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो कदम पीछे नहीं हटते ना, उनको उखाड़ के फेंकना हमें अच्छी तरह से आता है।
वैसे मुझ तक अभी ये खबर नहीं पहुंची कि वहाब साहब ने कारनामा सर अंजाम दिया। खैर ये खुशखबरी अब तुम लेकर आए हो तो शक की कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती। जिंदगी में पहली दफा वहाब साहब ने कोई ऐसा काम अंजाम दिया कि उन्हें शाबाशी देने का दिल कर रहा है। वेल डन वहाब साहब, वेल डन। तुम चाहे अपने बाप को जितनी मर्जी शाबाशियां दो, लेकिन तुम लोगों की इस घटिया हरकत से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आशिकी का भूत सर पे सवार हो ना तो बाप के दिवालिया होने पे किस कमबख्त का फर्क पड़ता। उष्णा मेरी पसंद है और वो मेरी जिद है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी जिद के रास्ते में आए। वो मुझे पसंद करती, मेरी होने जा रही है। वो जबरदस्ती के रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। तो ये मेरा और उसका मामला है ना, तुम क्यों खुद को अलकान कह रहे हो? मैं आखिरी दम तक उसे तुम्हारा नहीं होने दूंगा। निकाह के बाद मैं सबसे पहले उसको तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूंगा। खैरियत इसी में कि जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी फैमिली को डूबते हुए बिजनेस के साथ साथ बेटे की हड्डियां भी चढ़वानी पड़े। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें हर राह में मिलूंगा। राह की रुकावट को उड़ाते हुए गुजरना मेरा पुराना शौक है। गेट आउट। कहाँ रह गए थे आप? टेंशन से मेरी जान निकली जा रही है और आप हैं कि अपने भाई के पास बैठे रहे। तुम्हें किस बात की टेंशन है? तुम्हारी मुराद तो बराबर आई। सब कुछ जानते पूछते भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि किस चीज की परेशानी है? हद हो गई शुजात। वैसे मैं ना आज कभी तो इंसानों की तरह दो टोक बात कर लिया करो। इस वक्त सख्त परेशान हूँ मैं, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? बात करने के लिए बचा ही क्या है, सब कुछ तो डूब गया। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त अपने बारे में सोचने के बजाय आप भाई की तिमारदारी करने में मसरूफ है, हद हो गई। मैं नाज, वो मेरा सगा भाई है, इस वक्त उस पर कयामत टूटी पड़ी है। अब तुम क्या चाहती हो? शुजात, शुजात, आपको नजर नहीं आ रहा क्या कि भाई और भाभी ने जो उष्णा और जैनब से बैर ले लिया है उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया है? अरे जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी उष्णा की दादी को जैनब के सामने उठा के लाने की? हाँ वो तो डरी नहीं, बाकी सब हमें डरा के चले गए। क्या कसूर था जो हमारा बिजनेस डूब गया? भूल रही हो कि तुम भी अपने बेटे के लिए दावेदार थी। बस आपको तो अल्लाह मौका दे मुझ पे उंगली उठाने का, और ना मुझ पे इल्जाम लगाने से बेहतर है जाके अपने भाई से बात कीजिए। सब ये सब कुछ ना सुफियान की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में ना पूरे खानदान को सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे दोनों मियां बीवी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले का हल क्या है, क्योंकि बात जो है वो हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है। कैसे समझ नहीं आ रहा? इतनी सी बात है, जाके अपने भाई से बात करें, उनसे कहें हमारा पैसा सूद समेत हमें वापस कर दें, और उसके बाद अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए भले भिखारी बन के सड़क पे बैठे रहें हमारी बला से। मैनास, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अरे वक्त देखते रहेंगे तो खाली हाथ रह जाएंगे, और आप नहीं कर सकते ना बात तो मैं जा रही हूं बात करने के लिए। उनके किए का भुगतान हम क्यों भरें? हाँ अच्छा बस रुक जाओ ना, सब्र करो थोड़ा। मैं मौका देख के भाई साहब से बात करता हूं, लेकिन इस वक्त वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है, पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई को नाप लेना चाहिए। चले थे जैनब से मुकाबला करने,
भूल गए थे कि किसकी बीवी है वो। अब वो पुरानी वाली ज़ैनब नहीं रही, अब ये सब कुछ नहीं हो सकता। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपसे। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, किसी को नहीं परवाह। ये तो बिल्कुल वही बात है। कबाब दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। आइए बेटे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी करे चाय पिए हमारे साथ। चाय चाय गरम करवाऊं? नहीं नहीं, आज तो ठंडी चाय गरम का मजा लेगी। वैसे वहाब साहब आज तो आपने कमाल ही कर दिया, मुख्तार एंसेंस का दिवालिया निकाल के आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। चलिए इस बहाने आपका दिल तो खुश हुआ मुझसे। वैसे ये खबर किसने दी आपको? एक नाकाम आशिक आया था मेरे ऑफिस में, उसको लगता है कि ये सब कुछ मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए। ऐसे नहीं कहते बेटे। वैसे आपने सब कुछ क्यों किया, जान सकता हूँ मैं? बिल्कुल जान सकते हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी फैमिली के लिए किया। ज़ैनब, उश्ना, आप, मेरी फैमिली को कोई तंग करेगा तो मुझे तंग करेगा, और तंग करने वालों को डील करना मैं जानता हूँ। वेरी इम्प्रेसिव हाब साहब, आज तो आप हैरान पे हैरान करते जा रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप दुश्मनी इस हद तक भी लेके जा सकते हैं। आप औलाद है मेरी, बाप हूं मैं आपका, औलाद के लिए आदमी कुछ भी करता है। प्लीज मुझे भी कोई बताएगा ये क्या बात हो रही है? बस मैं बताने ही वाला था आपको। अच्छा तो मगर जो भी आपने किया वो किस लिए किया है? ये लेना। आप ही मैंने भी किया। रेडी ट्राई तो करें। थैंक यू, आपने पहले नहीं बताया, मैं दे देती। हां बेटा मैं आपको चाय। यू नो रीडिंग एनीथिंग, कम ऑन। आप प्लीज चाय दे दें। ये आई थिंक जब से ये आई है ये कमजोर होती जा रही है। She's not really. What? Are you eating enough, beta? I'm good. Yeah, you people. What's your diet like? खाती है वैसे, खुराक कम है इनकी। है ना? और ये बच्चे आजकल के ये पढ़ के बोलती सीधी चीज़ है। Are you eating right? Yeah. Yeah. I don't see you eat. रफाकत अभी तक खुनूदगी में। अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो हमारा क्या? बस बस अम्मी, कुछ नहीं होगा बाबा को। कुछ नहीं होगा? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने क्या किया है? क्या किया है? जब मैं और तुम्हारे बाबा अपने तौर पे सब कुछ कर रहे थे तो तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्यों भेजी तुमने सुफियान और उष्णा की तस्वीरें शहरोज को? ना भेजती तो क्या करती? शहरोज और उष्णा का निकाह होते हुए देखती। उष्णा अगर सुफियान के लिए मान जाती तो तुम्हारा रास्ता तो वैसे साफ हो जाता। हाँ मैं देख रही हूँ कितना रास्ता साफ हुआ है। हाँ तो तुमने ऐसा करके कौन सा निकाह रुकवाने का काम कर लिया? उल्टा जो उष्णा मेरे बुलावे पे आकर सुफियान की दिलजोई कर रही थी, तस्वीरों का ये हंगामा देखकर वो तो यही समझेगी ना कि हमने उसे इस्तेमाल किया, तभी तो वो सुफियान से इस तरह खिंच गई है। और ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। तुम बच्चों के खातिर ना हम इस मुकाम पर आ गए। तुम्हारे बाप को कुछ हो गया ना तो अपनी चाल का मतम करती रहना। तो अब मुझे की बातें सुना रही है? भाई का भी तो उसे बोले ना, उसने उष्णा की जिद में आके सब कुछ खराब कर दिया है। सब मुझे ही बातें सुना। और वो हुज़ैफ़ा, भाई के सामने ऐसी तर-तर ज़बान चल रही थी उसकी, देखती हूँ उसको। सिर्फ इस वजह से कि वो लोग अब मेरे तलबगार हैं, वहाब अंकल ने मामू का बिजनेस तबाह कर दिया और सुफियान शहरोज के ऑफिस गए थे, क्या बात हुई होगी वहां?
अस्सलाम वालेकुम। अब तो यकीन आ गया होगा मेरी मोहब्बत। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि तुमसे मोहब्बत करने के जुर्म में तुम्हारे सौतेले बाप और उसके बेटे ने हमारी फैमिली का दिवालिया निकाल दिया। लेकिन ये सब करने से अगर उनको लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही बात समझाने में शहरोज के ऑफिस गया था। आई होप कि उसे ये बात समझ में आ गई हो। उन्हें ये बात समझ आए या ना आए, आप खामखा अपना और अपने घर वालों का नुकसान क्यों कर रहे हैं? वैसे भी मैं निकाह के लिए हाँ कर चुकी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि फैसला तुम्हारा नहीं फूफो का। किसी का भी फैसला हो लेकिन हाँ तो मैंने ही किया ना। लेकिन मैं नहीं मानता ऐसे फैसले को। आपके मानने या ना मानने से हकीकत तो नहीं बदलेगी ना। लेकिन मैं बदल के दिखाऊंगा इस हकीकत। आप जो भी करेंगे याद रहे इस सब में आप अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा। क्यों, शहरोज से मोहब्बत हो गई है क्या? जितना